आप जब किसी ज्योतिष के विज्ञापन देख के किसी ज्योतिष के पास जाते हैं यानी उसके चेम्बर पर जाते हैं तो आपकी नज़र में बहुत कुछ पड़ता है। जब आप किसी ज्योतिष के विज्ञापन देखकर उसके चेम्बर पर पहुंचते हैं तो उसके चेम्बर में बहुत सारे सर्टिफिकेट डिग्रियां या उपहार आदि देखते हैं। अपनी डिग्रियां उपहार प्रमाण पत्र या उपहार द्वारा वह ज्योतिषी आपको यह दर्शाने की कोशिश करता है कि मैंने ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई की है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या ज्योतिष संस्थान से। इसके बाद मुझे डिग्रियां डिग्री या प्रमाण पत्र आदि प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर आज मैं ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ज्योतिष का जो चेम्बर खोल के बैठा हूँ उसके पीछे मेरी मेहनत है, मेरी पढ़ाई है, मेरे लगन है और मुझे ज्योतिष शास्त्र में सम्मान प्राप्त है। यानी मैं समाज में एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी हूँ और मेरे पास आने वाले किसी भी इंसान की हर समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। मैं डिग्री और शिक्षा प्राप्त ज्योतिषी हूँ, मेरे पास ठगी का कोई जगह नहीं है। ज्योतिषियों के इस तरह के विज्ञापन देखकर जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और उसके चेम्बर में जब देखते हैं कि उसके चेम्बर में कई तरह की डिग्रियां सर्टिफिकेट दिख रहा है या उसके टेबल पे या दीवारों पे कई तरह के मॉन्यूमेंट पुरस्कार आदि सजा हुआ है, यह देखने के बाद आपका विश्वास भी सही हो जाता है कि वाकई में सामने वाला ज्योतिषी ज्ञान प्राप्त है, ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा लिखा है और इस ज्योतिष के पास आने से ठगी का कोई सवाल ही नहीं होगा। अब जब यह ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा लिखा इस ज्योतिषी के पास आप जाकर जब अपनी हथेली मस्तक या जन्म कुंडली दिखाते हैं तो वह ज्योतिषी आपके जीवन में किसी भी समस्या का समाधान करने की 100% गारंटी देता है। इसके साथ ही आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना या कोई अशुभ है तो उसे टालने के लिए ज्योतिषी ग्रह रत्न तावीज कवच आदि दिया करता है। इसके साथ ही आपको यज्ञ आदि करने का उपाय या सुझाव भी देता है। इसके बदले में वह ज्योतिषी आपसे मोटी रकम या पैसा भी लेता है और यह भी गारंटी देता है कि अगर मेरे द्वारा बताए गए उपायों से आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं आपसे लिए गए पैसे रिटर्न कर दूंगा। इसके बाद आप उस ज्योतिषी को अपनी हथेली या मस्तक या जन्म कुंडली दिखाते हैं और वह ज्योतिषी आपको आपकी समस्या का समाधान करने के नाम पे ठगता है। हम तर्कवादी, युक्तिवादी या विज्ञानवादियों का चुनौती है कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा ठग चिटिलबाज 420 हुआ करता है। अब सवाल हुआ, अगर कोई ज्योतिषी अपने विज्ञापन में यह लिख कर रखा है कि मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा प्राप्त किया हूँ, ज्योतिष शास्त्र में मेरी पढ़ाई लिखाई है, मेरे पास डिग्रियां हैं और मुझे ज्योतिष शास्त्र के लिए मुझे सम्मान मिला है, प्रमाण पत्र मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ऐसे में वह ज्योतिषी फर्जी कैसे हो सकता है? आप कैसे किस तर्क के आधार पर यह कह सकते हैं कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा चिटिंगबाज हुआ करता है और ज्योतिष शास्त्र शास्त्र है और जादक है तो ठग शास्त्र है? मैं एक तर्कवादी हूँ, युक्तिवादी हूँ और विज्ञानवादी हूँ। मैंने भी ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें पढ़ी है। इसके साथ ही मैं अनगिनत ज्योतिषियों से मुलाकात किया हूँ और चुनौती भी दिया हूँ। मैं ज्योतिष शास्त्र के पढ़ने के बाद और ज्योतिषियों से मुलाकात करने के बाद, उनसे तर्क वितर्क करने के बाद यह निर्णय इस सिद्धांत पे पहुँचा हूँ कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा ठग चिटिंगबाज हुआ करता है। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर ज्योतिषी ठगी का धंधा करता है, लोगों को ठगने के लिए अखबारों में, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया में विज्ञापन दिया करता है और बताया करता है कि उसके पास
सर्टिफिकेट है, ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है। वास्तव में उस ज्योतिष के पास जो भी डिग्री या प्रमाण पत्र होता है उसका कानून की नज़र में कोई मोल नहीं होता है। आप भी चाहे तो इस तरह की सर्टिफिकेट, डिग्री या प्रमाण पत्र या सम्मान प्राप्त कहीं से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पैसे के बदले में इस तरह की डिग्री या सम्मान प्रमाण पत्र आप बाजार से खरीद सकते हैं। और ज्योतिषी की तरह वेशभूषा बनाकर विज्ञापन देकर लोगों को ठग सकते हैं। सीधे शब्द में आप पैसे के बदले में डिग्रियां, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र खरीदिए और अपने आप को बताइए कि मैं अमुक यूनिवर्सिटी कॉलेज से डिग्री प्राप्त किया हूँ ज्योतिष। यानी कुल मिलाकर मेरा तर्क चुनौती यही है कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा पाखंडी चीटिंगबाज हुआ करता है। ये ज्योतिषी लोगों को ठगने के लिए कहीं से डिग्रियां प्राप्त कर लेता है पैसे के बदले में। आप भी चाहे पैसा देकर किसी भी जगह से डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं या छपा सकते हैं। अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो ज्योतिषी के पास जो सर्टिफिकेट है, डिग्रियां है या सर्टिफिकेट है या प्रमाण पत्र है उसे ले लीजिए और छानबीन शुरू करिए कि यह प्रमाण पत्र, डिग्रियां कहाँ से मिला है उस ज्योतिषी को। अगर आपको उस ज्योतिषी के बारे में पता लगाना है कि वह ज्योतिषी कहाँ से पढ़ाई लिखा किया है ज्योतिष शास्त्र में, तो वो आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा किसी ज्योतिष इंस्टीट्यूट या ज्योतिष संस्थान से उस ज्योतिषी ने शायद पढ़ा लिखा होगा और उसको उस ज्योतिष संस्थान या इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट प्राप्त है। लेकिन आपको बता दें, किसी भी ज्योतिष संस्थान या ज्योतिष इंस्टीट्यूट से दिया गया कोई भी सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र का कोई भी मूल्य कानून की नज़र में नहीं है। यानी आप अगर किसी ज्योतिष संस्थान से कोई डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो उस सर्टिफिकेट का कानून की नज़र में कोई मोल नहीं है। हाँ, इतना कर सकते हैं, उस डिग्री या सर्टिफिकेट के दिखाकर आप लोगों को ठग सकते हैं, ठगी का धंधा कर सकते हैं।